होस्ट वैद्य देवल शर्मा आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करता हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो आज कोई नुस्खा नहीं है, आज है जिन लोगों को बीमारियाँ होती हों, घर में बरकत ना होती हो और धन की कमी रहती हो, कोई पैसा मांग ले वो वापस ना देता हो और काम करने में मन ना लगता हो और खोया हुआ धन आपको वापस मिलेगा, इस टोटके को आप अपने घर में कर सकते हैं। इसको आपने बनाना है, चंद चीज़ों की ज़रूरत है आपको, कोई महंगा योग नहीं, कोई महंगी चीज़ नहीं इसमें डालनी आपने, आपने खुद ही करना है, किसी तांत्रिक को पैसे देने की आवश्यकता नहीं, किसी को कुछ कोई दान नहीं करना, आपने खुद ही यह घर में बना लेना है। इसको अपनी टिचोरी में या जहाँ जहाँ आप चावल इकट्ठे करते हैं वहाँ पर आपने इसको रख देना है, जहाँ पूजा स्थान में आपको रखना चाहिए। इसके रखने से आपको धन मिलेगा, दौलत मिलेगी, शौहरत मिलेगी, कारोबार में तरक्की होगी और रुका हुआ काम आपका चल पड़ेगा। ये चंद चीज़ों को आपने इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके एक धन की पोटली बना करके अपने पास रखनी है, अपनी तिजोरी में रखनी है, अपने कारखाने में रखनी है, अपनी दुकान में रखनी है, आप कहीं भी में रख सकते हो या कार में रख सकते हो, आपका व्यापार वृद्धि होगी, कारोबार में तरक्की होगी। आपको यह चीज़ हम दिखा रहे हैं कैसे बनेगी, कैसे तैयार होगी, किन चीज़ों की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। दोस्तों यह वही टोटका है जिसकी बात कर रहे थे हम, यह आपका रुका हुआ धन वापिस लाएगा, आपका कारोबार में तरक्की करेगा और जो भी आपका कार्य है रुका हुआ उसको दोबारा चलाएगा, आपके कारखाने में बरकत करेगा, आपके धन में बरकत लाएगा। यह आप कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, किसी को पैसे नहीं देने, किसी तांत्रिक को पैसे नहीं देने, आप इसे घर में ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको गोमती चक्कर इसको पोटली में इस प्रकार से डाल देना है और श्री महालक्ष्मी यंत्र यह भी आपने इस पोटली में डाल देना है और दो मुलट्ठी के पीस आपने इस पोटली में डाल देने हैं, इस तरह से इस पोटली में डाल देने हैं। और गुलाब का इत्र अच्छा बढ़िया वाला लेना है आपने, इसको भी इस पोटली में डाल देना है। कपूर लेना है आपने, इसको भी इस पोटली में डाल देना है। ये है पुखराज, सवा साग रखी रति का आपने पुखराज लेना है, पुखराज को भी आपने डाल देना है, सवा सात रति का होना चाहिए, इससे कम वाला कोई काम नहीं करेगा, इसको भी डब्बी में डालकर ऐसे ही डाल देना है। दो आपने जायफल लेने हैं, जायफल को भी डाल देना है। एक पत्रा आपने दालचीनी का लेना है, इसको भी इसमें डाल देना है। सात दाने आपने इलायची के लेने हैं, इसको भी इसमें डाल देना है। एक आपने 1100 रुपया लेना है, इसको भी ऐसे बांध करके मूली से आपको इसमें बंद कर देना है। इसको अब आपने क्या करना है, अपने धन तिजोरी या कारखाने में आपको स्थापना करनी है और आपका कारोबार में ज़रूर तरक्की होगी। आप इसको टोटके को अजमाएं, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।